दोस्तों, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे हैं, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका साइज है 25x40। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप इसको देख लें, सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करें, सामने से बात करें, तो ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है, और साइड से बात करें तो ये मॉडल आप ऐसे देख सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर डिजाइनिंग का भी वर्क किया है, आप पर डिपेंड करता है। ये 3 साइड क्लोज्ड घर है, मतलब 3 साइड तीन तरफ से बंद ही होगा, और अगर टॉप व्यू अगर आप देखना चाहते हो ऊपर से, तो आपको ऐसा मॉडल दिखने वाला है। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 25x40 का फ्लोर प्लान है, जिसमें कि मैंने ग्राउंड एंड फर्स्ट सेकेंड फ्लोर रेडी किया है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर डिज़ाइन किया है 25x40 डुप्लेक्स हाउस प्लान, या 25x40 हाउस प्लान विथ कार पार्किंग मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो ये पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे। चलो, हमेशा की तरीके से हम इसको कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट, और जैसे आप इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये मॉडल आपको और भी बेहतरीन दिखता है, क्योंकि दीवारें यहाँ पर सारी आपकी हाइड हो जाती हैं और आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पूरा दिखता है। देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल आपको और भी बेहतरीन दिखता है। अगर साइड से देखें तो ये मॉडल आपको ट्रांसपेरेंसी में ऐसा दिखेगा, अंदर की सारी चीज़ें, जो भी आपका मटेरियल या सामान है, वो सारा दिखता है। यहाँ कार पार्किंग के साथ ये 25x40 मैंने डिज़ाइन किया है। अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो आप ऐसा देख पाएंगे, अगर बिल्कुल फ्रंट से देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी में आप ऐसा देख पाएंगे। अगर टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू, तो आप ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल ऐसा देख पाते हैं। तो ये पूरा मॉडल था ट्रांसपेरेंसी के बाद। अब इसको फिर से ले आते हैं हम ओरिजिनल पोजीशन पर, और जैसे इसको ओरिजिनल पोजीशन पर लाते हैं तो फिर से आपका वही मॉडल यहाँ पर दिखने लगता है। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, जिससे मेरे आने वाले से वीडियो आप लगातार देख सकें। ऐसे आपका वीडियो प्ले हो रहा होगा और यहाँ पर देखिए ये सब्सक्राइब बटन आता है रेड कलर से, ऐसा इस पर आपको क्लिक करना है, और एक बेल आइकन आएगा, उसको सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं, और उसके बाद आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमारा वीडियो वॉच करते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, और इसको बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलो इसको पूरा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके हम ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो ये फ्रंट से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट से सामने से आपको ये ग्राउंड फ्लोर ऐसा दिखने वाला है। ये देखिएगा मॉडल, तो यहाँ पर कार पार्किंग के लिए स्पेस है, आपको मैंने जगह बता दी है। अगर आप एक एक रूम का, हर एक चीज़ का साइज जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है smallhouseplan.com। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ पर आप देखिएगा सारे नक्शे डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आप डाउनलोड करना चाहें, आप जो भी चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, 2D और 3D। तो जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप कार पार्किंग का मिलेगा जगह, और इसके बाद सबसे पहले आपको बड़ा सा एक गेस्ट रूम मिल जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने विंडो दिया है, बाहर से एक विंडो है और एक साइड से भी विंडो दे रखा है। तो ये गेस्ट रूम है पूरा। आप गेस्ट रूम के लिए आप यहाँ से, ये डोर मैंने दिया है, जैसे इस डोर से एंटर करेंगे तो ये आपका, देखिए यहाँ पर TV का सेटअप कर रहा है मैंने, ये कुछ सीनरीज लगा दी, और ये आपके सोफ़ा पड़े हुए हैं, और ये एक बेहतरीन सा टेबल है, जिसमें आपका कोई भी गेस्ट आए तो आप यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था उनका कर सकते हैं। तो ये आपका गेस्ट रूम है। इसका साइज़ की बात करें तो वो हमारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जैसे आप इसके बाद फिर से चलो अंदर चलते हैं, तो पहला ये विंडो मिलता है, और इसके बाद ये आपको मिल जाता है मेन डोर। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, और जैसे मेन डोर से एंट्री करते हो तो ये देखिएगा, ये किचन सेट है, इसीलिए मैंने बाहर किचन सेट रखा है, क्योंकि आपको यहाँ पर बाहर से एक विंडो मिलेगा, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका यहाँ पर पूरा किचन डिज़ाइन किया है, और ये आपका लॉन एक बड़ा सा मिल जाता है। सिर्फ यहाँ पर आपको जो स्टेयर्स हैं वो मिल जाती हैं ऊपर जाने के लिए, ये स्टेयर्स हैं, और यहाँ पर काफ़ी जगह बचेगी, क्योंकि जगह काफ़ी है, तो आप यहाँ एक लॉन टाइप का बन जाएगा आपका घर के लिए, खाने वाने के लिए। और इसके बाद आप देखिएगा, ये आपके दो बेडरूम मिल जाते हैं, एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है। इनका साइज़ जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, और दोनों बेडरूम के लिए एक ये डोर दिया है मैंने, इसके लिए यहाँ से डोर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, कि आप यहाँ पर लेटरिंग या बाथरूम कम्बाइंड अगर बनाना चाहें तो इसी में आप बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अन्यथा आप यहाँ पर केवल लेटरिंग यहाँ पर सेटअप कर लें, और आपका जो ये एरिया दिख रहा है किचन के बगल, ये आपका अपना बाथरूम भी बना सकते हैं। इसके लिए आप, मैंने डोर नहीं दिया है, वो आप पे डिपेंड करता है, डोर इस साइड से देते हैं, इधर से देते हैं।
तो अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो इसको लेटरिंग बना लें, इसको आप बाथरूम बना लें, अन्यथा इन दोनों में से किसी को कमांड भी बना सकते हैं क्योंकि जगह काफ़ी पर्याप्त है, और एक को स्टोर रूम या पूजा घर बना सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है क्या आप सेटअप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये पूरा फ्लोर प्लान हो गया इसका, ग्राउंड फ्लोर जिसमें कि आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं, 1, 2 और 3, जो पहला गेस्ट रूम है, और इसके बाद आपको ये लेटरिंग मिल जाता है, ये आपका लेटरिंग बाथरूम, ये आपका किचन, ये आपका स्टेयर्स, फुल प्लान आपको मिल जाता है, और ये आपका कार पार्किंग के लिए बेहतरीन सा स्पेस भी मिल जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की बात, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर इसके। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा हो, मैप आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पहले से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब इसके हम जब फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से आपको ये फर्स्ट फ्लोर ऐसा दिखने वाला है, सेम टू सेम डिज़ाइन किया, वही देखिए विंडो है, वही सब कुछ सब, यहाँ रेलिंग मैंने बढ़ा दी है, जो आपका ये स्पेस था ये रेलिंग थी, आप इसको पूरा ढक कर एक रूम और क्रिएट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ये मैंने रेलिंग बढ़ा दी 2 से 2.5 फीट, और सारी चीज़ें बिल्कुल वही जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर आप देख रहे थे, कि वही रूम है, वही लेटरिन बाथरूम, वही आपका किचन, और वही आपका सामने वाला गेस्ट रूम। ये आप पर डिपेंड करता है क्या बनाना चाहते हैं। ये मैंने सिर्फ बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट कर दी है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 2 से 2.5 फीट का आगे को बढ़ा दिया, और ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का आपका पट्टी सी देख रहे हैं, ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट है दोस्तों। ये आप पर डिपेंड करता है कैसे कराना चाहते हैं। ये पिलर पर आपका पूरा मकान बना हुआ है। तो ये तो इसका हो गया फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। आप इसके चलते हैं हम लास्ट फ्लोर पर। फिलहाल मैंने लास्ट फ्लोर पे कुछ भी डिजाइन नहीं किया, ये छत डिजाइन कर दी, चारों तरफ छज्जा निकाल दिया है, और इसके बाद आपका ये रेलिंग लगा दी जिसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और स्टेयर्स जो आपका जीना आया था उसके लिए मैंने यहाँ पर ढक दिया, ये गुमटी बनाई है जिसमें आप पानी की टंकी ऊपर रखवाएंगे, जिससे पूरे घर में पानी की सप्लाई होगी। तो ये स्टेयर्स आप ऊपर की तरफ खुलेगा। ये पूरा मॉडल जो मैंने डिस्कस किया 25x40 विथ कार पार्किंग, या 25x40 होम डिज़ाइन विथ कार पार्किंग, या डुप्लेक्स जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ये मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे बताएं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे ये डिज़ाइन दोस्तों मैंने उनके लिए क्रिएट किया था। अगर आप वॉच कर रहे हैं तो वीडियो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, और तथा आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक मॉडल है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका क्रिएट करने का पूरा संभव प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।